मतदाता केंद्र तथा मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट में उप निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता ली और जानकारियां दी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन विभाग द्वारा मीडिया के साथ बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे ने मतदाता केंद्र तथा मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन को लेकर जानकारी दी। बैठक में उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने एवं संशोधित के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही भी बताया कि आप प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर जान सकते हैं अपने मतदाता सूची पर नाम। इस संबंध में उन्होंने मीडिया को इस तरह की जानकारी दी। आज 31 जुलाई को मतदान केंद्रों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण का कार्यक्रम चल रहा था। युक्तियुक्तकरण के बाद हमने जो प्रस्ताव थे वो भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए थे और माननीय आयोग के अनुमोदन के पश्चात आज दिनांक को उनका अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इस प्रकाशन के उपरांत पहले हमारे जिले में, दुर्ग जिले में 1464 मतदान केंद्र थे और युक्तियुक्तकरण के पश्चात 15 नए मतदान केंद्र और जुड़े हैं। इस प्रकार जो अब मतदान केंद्र हैं जिले में वो बढ़कर 1479 हो गए। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन जो है सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में और सभी मतदान केंद्रों में 2 अगस्त को किया जाएगा और 2 अगस्त से 31 अगस्त तक की अवधि तक सभी मतदान केंद्रों में BLO और अभिहित अधिकारियों के द्वारा दावा आपत्ति प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में कुछ विशेष तिथियां हैं जिस दिन विशेष शिविर होंगे, जैसे 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। अवकाश का दिन होने के बाद भी इन तिथियों को दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी और उनका निराकरण किया जाएगा। महिला और पुरुष की मतदाता विधानसभा वाले भी मतदान केंद्रों का अंतिम प्रकाशन हुआ। मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।